और न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग की आईजी मिनिस्ट्री एस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आईजी स्टाम्प मिनिस्ट्री एस ने जनपद में स्टाम्प की डिमांड और लक्ष्य पूर्ति की समीक्षा की तथा कहा कि एडीएम और एसडीएम कोर्ट में चल रहे मुकदमों का समय से निवारण किया जाए, स्टाम्प बिक्री केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण किया जाए तथा ढेर सारी फैक्ट्रियों को स्टाम्प की छूट दी जाती है उसकी जांच किया जाए कि फैक्ट्रियां उसका प्रयोग कर रही हैं कि नहीं। अगर जांच में गड़बड़ी मिलती है तो फैक्ट्रियों की बैंक गारंटी जब्त की जाए। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व राजेश कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। 24 एप्लीकेशन मैम मेरे पास में पेंडिंग है, तो इसको मैंने दो रिमाइंडर जारी किया। द फर्स्ट लेवल इज एंगेज्ड, राइट? थैंक यू। मेरिट क्राइटेरिया सब है, वन प्रॉपर एप्लीकेशन रिसीट नंबर, ठीक है, विद नेम्स। सेकंड, जो उपयुक्त पाया और जारी किया नहीं, जो अनुपयुक्त पाया ओनली दे कॉलम, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वी नॉट बॉदर्ड अबाउट देम। इस रेडी में डेटा भेज दीजिए ना ताकि वी कैन टेल द गवर्नमेंट। जी, आपके पास एडीएम सब कितने एप्लीकेशन पेंडिंग है? 20 और जैसे मैंने बताया है, हमारी कोशिश ये है कि आप जब जिसमें उपयुक्त लोगों को आप स्टैम्प इंडस करेंगे, अल्टीमेटली फिजिकल स्टैम्प से डिजिटल जर्नी शुरू हो गया है, वी विल ट्राई टू एनरोल देम एज़ ACCs को ई स्टैम्प डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा अल्टीमेटिव है, राइट? अच्छा, जस्ट टू साउंड आउट, जो हमारा जो लेटेस्ट इनिशिएटिव है, क्योंकि एडीएम साहबान भी बैठा हुआ है और ये इश्यू आपके फ्रेंड में भी होगा, AIG DIG को भी होगा, अभी पंचायत इलेक्शन आ रहा है, सो लोअर लेवल डिनोमिनेशन के स्टैम्प के लिए बहुत आवश्यकता होंगे। सो करीब ऑल द ACCs जितना भी बैंक ब्रांच से आज के दिन में करीब 4000 ACCs विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में और बहुत सारे ऑलमोस्ट 1200 बैंक ब्रांचेस में हर लेवल डिनोमिनेशन के लिए हमने जो है ई स्टैम्प वाला ऑलरेडी जारी किया है। Government has taken a decision, we shall not be printing any more physical stamp because after the Telgi scam, RBI ka bhi mandate hai, we should switch to digital technology. So all the states, hum log jo hai face wise, in fact ye stamp se digital stamp ke liye bhi hum logon ne journey shuru kiya hai. To iske cons mein batana hai, almost 7 to 8 states ne self-printing enable kiya hai with all the security checks of lower denomination. So we are also trying, we are prayasrat hai hum log, humko ummeed hai agle 10 days ke andar we will also get order and integrate our system so that ease of doing business ke andar, if you want a 10 rupees stamp you can sit at home and take a print out with all security aspects, so that is what we are trying, so that Uttar Pradesh bhi usi digital bandwagon mein join ho taki panchayat election ke samay aapko koi dikkat nahi hoga, and I am very sure isi se kafi relief hoga jo ACC ke print mein bite karke 1 crore ke liye bhi aapko aadha ghanta fill karna padta hai, 10 rupaye ke liye bhi aadha ghanta fill karna padta hai aur unka jo bahut sare grievances bhi khatam ho jayega, so hopefully ye digital journey bhi agle 10-15 din mein samal ho jayega, to ye aapke samjhan mein main abhi aapko bata rahi hu। एडीएम साहबान जब भी AIG DIG के साथ बैठक करेंगे, आप जरूर इस विषय पर रिव्यू करेंगे। यू शैल आस्क फॉर द टोटल नंबर ऑफ बैंक गारंटीज विभिन्न पॉलिसी के तहत, वेदर इट इज केप्ट विद द कंसर्न्स ऑफ रजिस्ट्रार, वेदर इट इज प्रॉपरली स्टैम्प्ड, और उसका जो ड्यूरेशन है GMDIC को भी जरूर आप बुलाएंगे। जो भी विभाग का है उसका अधिकारी के साथ 15 मिनट आप रिव्यू करेंगे, करोड़ों का स्कैम से बच पाएंगे, अदरवाइज भविष्य में आप और हम इक्वली उत्तरदायी है। तो इज इट प्रॉपरली स्टैंड, यदि आप 5 साल के लिए प्रोजेक्ट किया है और 1 करोड़ का बैंक गारंटी है, 5 साल के लिए वैधता है या नहीं? अभी प्रॉब्लम क्या है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में और शॉप में रियलाइज कि ना सब रजिस्ट्रार के पास बैंक गारंटी है और एज पर IG का बिना अनुमति GMDIC ने सीधा बैंक को भेजा और बैंक ने रिलीज भी कर चुका है। अभी कितने लोगों के विरुद्ध में FIR के लिए ऑर्डर करूंगी हम बैठ के, और 2-3 साल का टोटल अमाउंट भी 2-3 करोड़ गवर्नमेंट खजाने में लॉस हो गया, हाउ मेनी ऑफिसर शुड आई टेक फॉर लापरवाही बताइए। तो जितना भी ऑफिसर है जो फाइनेंस ऑफ स्टैम्प से रिलेटेड, जिसमें जिला निबंधक कौन है, ADMFR, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज इन्वॉल्व, ADMFR इज इन्वॉल्व, एंड एवरीबडी सेज मैम हमको अता पता नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि हमको अता पता नहीं है, क्वाइटली हमारे खजाने से लीक हो रहा था। मैंने करीब 27 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी रिलीज किया है, इसको आपको इंश्योर करना है ये प्रॉपरली बैंक में कम्युनिकेट होकर के रिलीज हुआ है। उसका मतलब है उस व्यक्ति ने उनका जो भी कंडीशंस है उनका पालन किया है, उनका जो भी फैक्ट्री है वो चल रहा है, अभी उनको बैंक गारंटी हमको वापस करना है, वो भी हमारी ड्यूटी है। तो फॉर एग्जाम्पल, झांसी में ADM साहब, AIG DIG 8
केसेस मैंने अवमुक्त किया है, आप इंश्योर करेंगे यार प्रॉपरली अवमुक्त हो गया, और जो भी व्यक्ति है एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने भी फैक्टर किया है उसको अपना बैंक गारंटी नियमानुसार रिलीज हो जाओ।